सर कैमरा डाल लीजिए फिर बात करते हैं। ये बात फैमिली, आज आप लोग को मिलने वाला है हमारे साथ एक बड़ा ब्लॉग, क्योंकि आज है हमारे कॉलेज में हैकेथॉन और आप लोग को आज दिखाएंगे कि लाइक हमारे हैकेथॉन में वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन और हार्डवेयर की एप्लीकेशंस भी हैं और IoTs की भी हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी एक्साइटिंग एप्लीकेशन के साथ साथ आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी मिलेगी। चलो आपको दिखाते हैं। और वो ये गूगल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो आज काफ़ी सारे एक्साइटिंग गिफ्ट भी हैं गूगल बाबा। तो चलो यार आप लोग को दिखाते हैं और मिला सारे जो क्या बोलते हैं उसे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स आर रेडी टू सेट गो। चलो आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। और इधर हो रही है फीस्ट की तैयारी, क्योंकि कुछ देर में ये स्टार्ट हो रही है, तो सारे टीम मेंबर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड अपनी सारी करे जा रहे हैं। लोग यार कुछ प्रोजेक्ट्स इधर बन रहे हैं और यार ब्रदर ब्लॉग्स मिल रहे हैं, कह रहे यूट्यूब से पैसे छापेंगे। और इधर सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिधर वेब एप्लीकेशंस हैं, फोन मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। और इधर क्या हो रही है, इधर हो रही है मतलब इस लाइन में सिर्फ हार्डवेयर की एप्लीकेशंस हैं, और इधर साइड के साइड मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस भी हैं। तो यार वीडियो पे कर रहा है, प्रोजेक्ट पे नहीं। ये देखो एक ये क्या बना है पता नहीं, चलो आपको बताएंगे, अभी देख लो बस, फिर एक्सप्लेन भी होगी सारी चीज़, बस एक बार आप चेक कर लो, अभी देख लो, फिर आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट किस हिसाब से है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको फिर जब एक्सप्लेन करना होगा। चड्डा कहाँ है? चड्डा के वहाँ चलते हैं। चलो आ जाओ, एक अपना वी हैव न्यू फ्रेंड चड्डा। वी हैव न्यू फ्रेंड, क्या बनाए हो आपने बताओ? इसका नाम चड्डा है, बन रहा है चड्डा है कोई। तो चलो अब अपनी एप्लीकेशंस दिखाते हैं जो हमने बनाई है, हमारी टीम जो है ना वो है कुछ ये है हमारी टीम जो कि पूरे ट्रैवल हंटर पे बनी हुई है, लाइक और इसके टीम मेंबर्स ये और टेल अस अबाउट आवर व्यूअर्स। आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपका चैलेंज देख रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, कीप इट अप। और आज का ही व्लॉग फुल व्लॉग शूट करना रीच आ जाएगी। थैंक यू ब्रदर, लाइक कर देना गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब यूआई से फॉलो, इनकी भी चैनल है और अमित राजपूत ब्रॉस, गो एंड सब्सक्राइब टू हिम। थैंक्स यू ऑल। तो ब्रो कुछ बताओगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में? ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हाँ, जो कि हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, जैसे कि मिलिट्री बेस। हाँ। वहाँ पे क्या होता है ना कि जो ऑन होता है एक, जैसे कि दो कार्ड है, एक वेरीफाइड कार्ड है, और इस कार्ड को जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वेरीफाइड लिखेगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगी और वो अंदर एंट्री सेफली मिल जाएगी। लेकिन जिसका कार्ड एक्सचेंज हो गया, जो उसका नहीं है, अगर वो ट्राई करता है, ट्राई करता अंदर फोर्सली घुस। This was our problem student. ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है यार, चलो दिखाते हैं आप लोग को ये। Right now sir, actually RFID go for it. So this app here we can, as a moderator I can add a topic which I want to discuss on, and I can post it, and all the people which are having app they can come, it will show in the feed, they can come and join the discussion. And you know there are specific YouTube channels and specific apps which allow learners from all across the world just study together. Yes, so it's like 10 different people are studying 10 different topics but they are in the same. संजय जुड़ चुका है और चलो संजय को लेके चलते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे कैसे क्या क्या यूज़ हुआ है प्रोजेक्ट में, एक्सप्लेन कराते हैं सारे एल्यूमिनाई से। क्या था आज इस प्रोजेक्ट को लेकर, आज क्या होने वाला है? यार आज ना गूगल स्पॉन्सर्ड एंड्रॉयड फेस्ट हो रही है हमारे कॉलेज में, जिस जो कि काफ़ी सारे एक्साइटिंग हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स आपको दिख ही रहे होंगे यहाँ।
तो उसी को एक्सप्लोर करने हैं और उसके रिलेटेड कुछ सीखने के लिए हम अपने व्यूवर्स को और खुद भी यहाँ आए हुए हैं। सब मोटिव मिलता होगा सर, ऐसा लगा सर आपको इसमें आकर? यहाँ बहुत अच्छा लगा यार, यहाँ के टीचर्स और फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे हैं, जो कि एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं कैसे करना है। बताओ क्या है आपकी प्रोजेक्ट, बताओ। मेरा प्रोजेक्ट है एकेडमिक रिसोर्सेज है, जो एचयूआईसी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे, उससे जैसे एडमिन और यूजर बनेगा, उससे यूजर को भी एक एप्लीकेशन ही डैशबोर्ड ओपन होगा और एडमिन का ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अच्छा। और यहाँ से टीचर लोग अपना सब्जेक्ट और क्या पीडीएफ अपलोड कर सकता है और यहाँ पे यूजर को यहाँ डिस्प्ले होगा। ओके। इस ऐप को बनाने में आपने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया? कोटलिन और एक्सएमएल और फायरबेस एंड गूगल। फायरबेस पे डाटा डाटा। यार संजय से मिल के बात करते हैं। यार ब्लॉगर ही ब्लॉगर है यार। ऑर्बिट बेसिकली RFID अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें किसी भी क्लासरूम के बाहर में एक स्कैनर लगा है, इसे RFID कहते हैं। उसके सामने हम कार्ड देंगे, स्कैन करेंगे, इसमें ऑलरेडी एक चिप होती है, वो स्कैन होगी और फिर हमारे पास ये हमारे UID को स्कैन करेगी, ये हमारे कार्ड को स्कैन करेगी। उसमें जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे वो हमने इससे एक गूगल शीट कनेक्ट कर रखा है, उसमें सब शो हो जाएगा। और हमारे पास दो चेक पॉइंट है, पहला चेक पॉइंट है स्कैन करने के बाद एक जो सारे स्टूडेंट के पास जो फोन है, हर एक गैजेट के पास एक मैप नंबर होता है, वो मैप नंबर भी रजिस्टर्ड होगा गूगल शीट। और पहला स्कैन हो जाएगा, पहला चेक पॉइंट क्रॉस होगा जब ऑलरेडी स्कैन हो जाएगा, और दूसरा क्रॉस होगा जब फोन एक रेंज में मिलेगा। दोबारा वो मैक एड्रेस स्कैन करेगा का, अगर वो मैक एड्रेस रेंज में प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो मैक एड्रेस आएगा। और अगर दोनों RFID और मैक एड्रेस एक साथ है प्रेजेंट है उस टाइम रेंज में स्टूडेंट का प्रेजेंट मार्क होगा। ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट का अटेंडेंस के लिए है। हां जी, अटेंडेंस मैनेजमेंट की प्रॉक्सी डिक्रीज होगी। अगर कोई और पहन के लिए गया है टिकट, हमने RFID यूज़ किया है। अगर कोई और पहन के लिए गया है टिकट, LCD स्क्रीन यूज़ किया, यहाँ पे शो होगा, फिर तो उसके फिर भी अटेंडेंस लग जाएगी, मतलब वो बताएगा कि RFID जैसा ना। हाँ, यहाँ पे शो करेगा हाय, जैसे मेरा नाम श्रुति है, हाय श्रुति 23 BSE 1000, मेरा नाम और मेरा UID और जो वहाँ शो करेगा वो वहाँ पे वर्क पैड में जाओ ना। हम सबने सबकी सबकी यहाँ पे हमारा ये जो भी कॉम्पोनेंट हमने यूज़ कर रखा है, ये हमारा पूरा मॉडल है। फिर यहाँ पे RFID है, यहाँ पे ESP32 है, स्क्रीन है जो यूज़ किया, और हमारे टीम मेंबर। तो गाइस हमारा हैकेथॉन और एंड्रॉइड फीस दोनों खत्म हो चुका है, तो लाइक अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ चुका है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए टीम के लिए। कमिंग अप पीक सेकंड पीक इको साइकिल इनोवेटर्स, प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। पीक इको बोर्डर्स इको साइकिल इनोवेटर्स।